स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए है क्योंकि इसकी लंबाई 1 मीटर की है, पूरे बॉक्स जितना लंबा है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लंबा जितना है। तो ये है क्या, ये मॉडिफाइड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब एक बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पी क्यू आर की सिलेक्शन ऐसी करनी होती है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए, 0, जो बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक मशीन बनाई गई मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। ये इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज है क्योंकि इस वायर के ऊपर ये एरो स्लाइड कर सकता है। इसकी पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बड़ी काम की चीज़ है, ये लकड़ का बस मटेरियल है, अंदर कुछ नहीं है, ये किसी काम का, काम की चीज़ है, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस एक्स, ये आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अंदर वुडन मटेरियल के अंदर, ये ए पॉइंट के अंदर इसका जॉइंट है, अंदर ही अंदर तार जा रही है ए पॉइंट तक, ऐसे आर मटेरियल अंदर ही अंदर डी पॉइंट तक कनेक्टेड है, ऐसी एक्स रेजिस्टेंस डी पॉइंट से कनेक्टेड है और ये फर्दर सी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो एक रेजिस्टेंस आर है, एक एक्स है, ये एक वायर है नीचे 100 सेंटीमीटर लंबी वायर है, यहां से यहां की रेजिस्टेंस पी है और यहां से यहां की रेजिस्टेंस क्यू है और ये बी एक जंक्शन है इनका। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, हमने व्हीट स्टोन ब्रिज किया, इमेजिन करो ये मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज है, 1, 2, 3, 4 गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी, हमने ऐसे किया था, हमारा डायग्राम यही है। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। कैसे फर्क नहीं है, ध्यान से देखना है, ये पॉइंट ए है, यहां से ये पॉइंट ए है, चेक करो, ए ए, नेक्स्ट है ए और डी पॉइंट है, बीच में आर है, तो मान लेते हैं ये डी पॉइंट है और बीच में रेजिस्टेंस आर है, ए और डी के बीच में आर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है डी और सी के बीच में एक्स है, डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस एक्स है। नेक्स्ट है ए और बी के बीच में पी है, तो मान लो ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में पी रेजिस्टेंस है। फिर बी और सी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस है। तो आप चेक कर रहे हो आर एक्स पी क्यू जी, बिल्कुल सेम डायग्राम है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, मैंने पॉइंट की मार्किंग भी एग्जैक्टली सेम की हुई है, चेक कर लो। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब खास बात यह है कि आप सोचेंगे कि ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों बना दिया, ध्यान से देखना, ये एक वायर है, पूरी की पूरी एक वायर है, 100 सेंटीमीटर लंबी वायर है, इस वायर के ऊपर ये बी पॉइंटर है जो मूव कर रहा है, बी पॉइंटर जॉकी है, इसको जॉकी बोलते हैं, जॉकी द पॉइंटर जो इसके ऊपर मूव करता है, तो ये मूव कर रहा है स्लाइड, इसका नाम तभी तो स्लाइड वायर ब्रिज है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बी पॉइंट इस स्लाइडर को राइट लेके जाऊं तो ये लंबाई देख रहे हो, लेंथ बढ़ रही है, ये लेंथ अगर बढ़ेगी, इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है, पी, और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो पी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर ये लेंथ बढ़ेगी तो ये घटेगी, तो क्यू घटेगी, तो यानी कि अगर मैं स्लाइडर को इधर लेके जाऊंगा तो पी बढ़ता जाएगा, पी की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्यू की रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और अगर मैं मिड पॉइंट पे रखूंगा तो आधी वायर लेफ्ट है, आधी वायर राइट है, तो दोनों पी और क्यू की रेजिस्टेंस सेम है। इस स्लाइडर को मूव करवा रहा हूं तो इसकी लेंथ लंबाई चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है, और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसकी घटेगी, और मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट के ऊपर पी और क्यू की रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, कोई डाउट इसमें? ये सही है, मतलब जो हमारी समस्या थी ना व्हीट स्टोन ब्रिज में कि भाई पी क्यू आर कैसे चेंज करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, बस आपने स्लाइडर को मूव करना है, आप स्लाइडर मूव करते जाओ पी और क्यू ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। आप सोचो लैब के अंदर
ये अपरेटस हमने ले लिया, अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ फिट कर दिया एक्स, एक नोन रेजिस्टेंस ली आर, ये जॉकी है जो मूव कर रही है, स्लाइडर मूव कर रहा है, इसकी लेंथ अगर एल है तो ये वाली लेंथ 100 माइनस एल है। आपने क्या किया, आपने स्लाइडर को मूव करवाया, ऑटोमेटिकली पी और क्यू चेंज होने स्टार्ट हो गए। उसी टाइम एक ऐसा पॉइंट आया जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या गई, जीरो, आपने वहीं पर रोक लिया, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया कि आपका ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस, क्योंकि बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, और यही तो हम चाहते थे कि ब्रिज बैलेंस स्टेट में चला जाए। और आपने लेफ्ट साइड से रीडिंग लेनी है, लेफ्ट साइड से ये रीडिंग एल है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ एल है, ये 100 माइनस एल है, तो जब मैं इसे मूव करवा रहा हूं गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आएगी, तो आपने बैलेंसिंग लेंथ को मेजर कर लेना है L। आपने बैलेंसिंग लेंथ हमेशा लेफ्ट साइड से ही मेजर करना है, तो ये स्केल लेफ्ट साइड से मेजरमेंट लेगा। क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या करना है, इसमें लिखा इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि जे को हम रखेंगे डिफरेंट लोकेशंस पे और एक ऐसी पोजीशन पे लेके आएंगे ताकि गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो एल का मतलब बैलेंसिंग लेंथ है ए से जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो है, और एल लेंथ की रेजिस्टेंस पी है, राइट साइड की लेंथ 100 माइनस एल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यू है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरी वायर का ए है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस पी की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए, और Q की लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू रो इनटू 100 माइनस एल बाई ए। क्लियर है यहां तक? इन्हें आप डिवाइड कर दें Q और P को, रो ए कैंसिल, तो आपके पास Q बाई P की रेशियो आ गई। अब आपको पता है ब्रिज बैलेंस्ड है, और बैलेंस स्टेट में ब्रिज की वैल्यू क्या होती है, बैलेंस स्टेट में R बाई एक्स इज इक्वल टू P बाई क्यू, बैलेंस स्टेट में सभी रेजिस्टेंस की रेशियो बराबर है, यानी कि R बाई एक्स इज इक्वल टू P बाई क्यू, ये देखो रेशियो लगा दी, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x निकालना है तो x की रेशियो आ गई। यहां पे q बाई पी की रेशियो ऑलरेडी है, इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है स्लाइड वायर ब्रिज का, कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जब ये प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है आपको अननोन रेजिस्टेंस को x बॉक्स में डाल देना है, आर जो मर्जी लो आपकी मर्जी है, आर की वैल्यू आपकी इच्छा जो लो प्रैक्टिकल में, आप बस बैलेंसिंग लेंथ निकाल दो जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, और जब ये जीरो है बैलेंसिंग लेंथ मान लो 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 40 पुट करके सीधा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कुछ नहीं करना, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? वो मैं बताता हूँ, ठीक। अब इसकी कुछ इसके कुछ रूल्स हैं, वो ठीक कह रहा है जी अगर 100 के बीच में आई ना स्लाइडर ज़्यादा शिफ्ट हो जाए या 99.99999 पे आ जाए, अब मैं 0.0001 कैसे मेजर करूँगा, तो इसकी ना कुछ रूल्स हैं, नोट देखो तुम्हारी सोच ही रखता हूं सेम। तो नोट, पहला पॉइंट, मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर। भाई वो कह रहा है मीटर ब्रिज सही एक्यूरेट आंसर देगा जब आर और एक्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम है, जैसे आर की वैल्यू 3 ओम है, एक्स की वैल्यू भी 3 ओम है, तो कोई मुझे बताएगा वो स्लाइडर अगर मान लो ये 3 3 ओम है आर और एक्स, तो बताओ स्लाइडर कितनी लंबाई कहां पे मिलेगा आपको, 50 सेंटीमीटर मिड पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि ऊपर से आर और एक्स बराबर है तो नीचे से पी और क्यू भी बराबर है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी बराबर हो जाएगी, तो मिड पॉइंट में मिलेगा, मिड पॉइंट में कोई चक्कर नहीं, इधर से 40 हो गया इधर से 60 हो गया चलेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक तरफ से 99.999 हो गया, एक तरफ से 0.0001 हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मीटर ब्रिज काम करेगा जब रेजिस्टेंस का ऑर्डर सेम ऑलमोस्ट सेम होगा, तो अब जॉकी राइट पे जाएगी नहीं, मिड पॉइंट में रहेगी, आंसर आएगा। दूसरा, मीटर ब्रिज इज यूज फॉर मेजरिंग मॉडरेट रेजिस्टेंसेस।
अगर मान लो कोई स्टूडेंट आया, वो कहता है जी मेरे को तो एक रेजिस्टेंस मेजर करके बताओ। मैंने कहा ठीक है, लाट डिब्बे में डाल के देखते हैं। मैंने बॉक्स में डाल दी, उसने मुझे बताया ही नहीं ये रेजिस्टेंस 10,000 ओम है। अब 10,000 ओम और मैंने यहाँ पर पुट कर लिया 1 ओम, यहाँ 1, यहाँ 10,000। अब देखो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है आर बाय आर, क्योंकि अब रेशियो क्या लगेगी, जब बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो आर बाय एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, यही करना पड़ेगा। अगर आर छोटा है, एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे क्यू को भी बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, पी को छोटा करना पड़ेगा। क्यू बड़ा होने का मतलब बैलेंसिंग लेंथ बड़ी आएगी। बैलेंसिंग लेंथ इतनी बड़ी कहाँ से लाओगे, वो तो जॉकी जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैलेंसिंग लेंथ एल की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। या उल्टा भी ट्रू है, कोई कहता है कि आर बहुत बड़ा है, एक्स बहुत छोटा है, तो आर बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। अगर आर बहुत बड़ा है, एक्स छोटा है, पी बड़ा है, क्यू छोटा है, पी बड़ा है तो लंबाई बड़ी है, तो बैलेंसिंग लेंथ राइट पे जाके मिलेगी। पर अगर तुम्हारी ये लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ी है, तो फिर काम करना बंद कर देगा, तो टू हाई रेजिस्टेंस को ये मेजर नहीं कर पाएगा। ये पहला रिजल्ट है। टू लो को भी मेजर नहीं कर पाएगा। जैसे कोई कहता है ठीक है जी आप हाई नहीं अलाउ कर रहे, लो कर देते हैं। मैंने कहा लो कितनी, कहता लो 0.01 ओम। तो मैंने कहा 0.01 ओम बस। अब ये भी फिर प्रॉब्लम है, कम से कम आर 2-4 ओम तो लूंगा, ये 0.01 ओम है, तो देखो फिर से रेशो खराब हो रही है मेरी। एक और भी प्रॉब्लम है, ये जो वायर देख रहे हो 100 सेंटीमीटर लंबी, ये दो स्क्रू के ऊपर लपेटी जाती है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग नहीं कॉर्नर पे लपेटी जाती है, तो लपेटी जाती है कॉर्नर से। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लपेटे जाने वाली वायर है उसकी भी तो कोई रेजिस्टेंस है, वो हम यहां पर निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम सीधी सीधी रेजिस्टेंस दे रहे हैं 100 सेंटीमीटर की, लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट से वायर लेके आओगे वो तो 105 या 106 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि 3-3 सेंटीमीटर लपेटने में चली जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब मान लो कोई कहता है जी ठीक है जी मैं जो मैंने वायर लपेट दी उसकी वैल्यू मैंने पूछा कितनी, कहते जी 1 ओम है। तो मैंने कहा अच्छा 1 ओम तो तेरी खराब ही होगी, कहता हाँ 1 ओम तो खराब है, तो काउंट ही मत करो। मैंने कहा ठीक है नहीं काउंट करते। अब जब मैंने मशीन चलाई तो कोई कहता है जी रेजिस्टेंस मेजर कर दो, मैंने कहा कितनी, कहता 0.01 ओम। तो मैंने कहा भाई देख जितनी तो तू रेजिस्टेंस मुझसे मेजर करवा रहा है ना उतनी तो मैं खराब कर दिया करता हूँ लपेटने लपेटने में, तो तेरी का मेजर करूंगा, जब मैं उसी को नहीं काउंट कर रहा 1 ओम तो तेरी रेजिस्टेंस कहाँ से मेजर कर लूंगा 0.01। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब मैंने 1 ओम निगलेक्ट कर दी तो तेरे मेरे हिसाब से तेरी 0.01 तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो निगलेक्टेड निगलेक्टेड है, तो मेरे पास मत लेके आइए इतनी छोटी वैल्यू। तो दो रीजन समझ में आ रहे हैं, एक तो बैलेंसिंग लेंथ खराब हो जाएगी टू हाई टू लो में, और दूसरी जो एंड पे वायर लिपटी हुई है कॉपर की स्ट्रिप्स बोलते हैं, कॉपर की स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस उस छोटी वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, तो इतनी छोटी वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि वाइल मेजरिंग टू लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स एंड कनेक्टिंग वायर्स बिकम कंपेरेबल टू द अननोन रेजिस्टेंस एंड कैन नॉट बी निगलेक्टेड। तो फिर कॉपर की वायर को भी लेना पड़ेगा, या तो तुम्हारी रेजिस्टेंस को बोल दूंगा निगलेक्ट कर दो, या फिर अपनी रेजिस्टेंस को काउंट करूंगा चल अच्छा 0.01 मेजर करना है, फिर मेरी कॉपर की भी नोट करो 1 ओम में, तो फिर यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और मटेरियल जो है वायर बनाने का वो अलॉय यूज किया जाता है मैगनेन और कॉन्स्टेंटेन, बिकॉज दे हैव वेरी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो नोट ही कर लो।